देखो घूमने चलो, घूमने चलो कहता है यार। खुश हो गए। वाओ व्हाट अ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। द मून इज शाइनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग एंड सन इज अबाउट टू राइज एंड लुक एट माय आईज, ढंग से खुल भी नहीं रही है। कल मैंने खिचड़ी खा दी थी, इस वजह से आज मेरी आंखें एकदम खिचड़ी जैसी हो गई है। हाँ बेटा तू ही खोल दे पहले गेट, ले तू पहले खोल दे जा। ओए कहाँ भाग रहा है? हे भगवान, ये उसके पीछे ना पड़ जाए ये। और अभी देख लो ये। सो यार ये दो बार बार पॉटी कर दे यार किसी तरह, इसके बाद मैं जाऊँ पता नहीं कब करेगा ये पॉटी। यार ठंड की जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, वो तो बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही सुहानी होती है, बहुत ही न्यारी होती है, बहुत ही प्यारी होती है। गोको, ये देखो गोको भी आ गया। क्या भी ढूंढ ढूंढ के चल रहा है? और चलता है, पहले सीधा चलता था ये, रोड के किनारे बैठता है ना, इसके ऊपर लोग गाड़ी वाड़ी चला देते हैं। फिर ये देखो, ये अलग ही महाशय। देखो गोको आज तो ये रहा नानी का पानी, गर्म है काफी। ओहो नानी जी सो रही है अभी भी। उठ गए छाई, एहे पैन तमन लहल वो मैं तमर बॉड बे तिम मेर होश बे, मैं तमर बॉड बे तमर ख्याल रखन मेर कर्तव्य बे। उदी वो कहीं उठ न जाता, उठ जान छु नानी जी, उठ जान छु। पानी का ले पैन अलग कर मैं, वो कीटो थे घुमाउन जाए छी ना। ओ तब तो मामी मैंने यहाँ बना रही है ग्रीन टी मस्त वाला। आप जरा कुछ बताइए तो सही, अंदर क्या क्या डालते हो उसमें? ये जो पत्ता ये है ना, जो ग्रीन टी में हम लोग पीते हैं, वो नीति मारा से आया था। ये देख रहे हैं ये मुंशारी से लाई आया था ना, तो आज उसी की सब्जी बनेगी। मेरे लिए तो बस खा लिया रोटी सब्जी बना दो, मैं खा के निकल जाऊंगा फटाक से। पहले ग्रीन टी तो ले ले, चाय डाल ले। आए ठंडे जल गरम चाय शरीर लहल बल्बे रत्ते। ये जो गरम ग्रीन टी पिंचा ना तिम रत्ते चाय, तो वो शरीर लहल बहुत बढ़िया है यो। ओए तो गाइस मेरी भी चाय आ गई है, अब हम भी जरा चाय की जरा सिप मार लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अखरोट है ना बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको मैं दांत से तोड़ता हूँ। देखा बीको वज्रदंती, बीको वज्रदंती, बीको आयुर्वेदिक क्रीम, सॉरी दंत का दंत क्रीम, दंत क्रीम। आहा भयंकर, ये रास्ता इतना खतरनाक कर दिया यहाँ पे, जो रपटेगा ना तो खतरनाक ही रपटेगा यहाँ से। जय हो नंदा भाई। अंकल 50 की दही। अंकल जी अंकल दही मिल गई है। अरे भैया मारो क्या, ओए होए होए, सो पहाड़ कितना सेक्सी दिख रहा है और यहाँ पे नुमाइश लगने वाली है। सच में यार मैं तो पहाड़ जाने का इतना मन कर रहा है ना, इतना सही दिख रहा है यहाँ से, नीला आसमान, हरे पहाड़। ओ, ओ, आज पाशु भाई का ये भी बंद है। पाशु भाई ने रिक्शा कब खरीद लिया? ई रिक्शा। गुड मॉर्निंग भैया। अरे राई नहीं है क्या? नहीं सॉरी राई के ना, पालक, पहाड़ी पालक है। अरे वाह आज तो पहाड़ी पालक खाएंगे। वह दे दो भैया, दो तीन गड्डी, चार गड्डी दे दो, चार गड्डी पालक हो गई है पैक। सुबह तो बड़ा टहल रहा था, अब फिर सो गया तू, रोटी भी नहीं खाई तूने, कैसे फेंक दिया।
मैं कुछ भूला तो नहीं? पालक हो गया और ये भी हो गया, लेकिन शायद कुछ भूल तो नहीं गया मैं। कुछ मंगाया था, भूल गया अभी? मैं भी भूल गया। चलो ठीक है, अरे हाँ, दलिया 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 दलिया, आई फॉरगॉट। मैं फिर दलिया लाना भूल गया था, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। गोकू मैं तो भूल गया लाते। दलिया सबसे अच्छा होता है, बनता भी काफ़ी अच्छा है, होता भी काफ़ी टेस्टी है। अलग लिया सुबह पहली वाली गाड़ी से, नानी खाने नाश्ता, सोनू ब्यालमा और ये दलिया छे यहाँ बेटा, मतलब ये कांसे की जो कटोरी है उसमें नानी जा पी रही हैं और मेरे को बड़े दखा खनु और ये झोली बना हुआ है, ये लाई की सब्जी मुंशारी की है और रोट और ये दलिया, बस बढ़िया। तो नानी ने फिर से रोटी में इसमें डाल दी है और ये नानी अभी सत्तू डाल रही है इसमें। अरे सत्तू के लिए था। तो ये है सत्तू, जा सत्तू, और अभी बनेगा मस्त वाला हॉटू। और शायद मामी का बीपी थोड़ा लो है तो फिर इसलिए मैंने उनको कहा कि नमक खाओ और साथ में ये क्या कहते हैं संतरा, ठीक हो जाओगे, आराम करना उसके बाद, नाश्ता करने के बाद। बीपी लो ने ली बी। नानी जी घुमन हिटन छे मेरे दागर, मेरे दागर घुमन हिटन छे चक्रल ने। नानी जी को बहुत चक्कर वक्कर आते हैं क्योंकि नानी जी को वही हो गया ना, एज का काफ़ी रह गया, एज हो गई काफ़ी, तो इसलिए चक्कर वक्कर आते रहते हैं उन्हें। और अपने को क्या है, अपने को तो बस कभी यहाँ मटकना कभी वहाँ मटकना है, स्टूडियो में जाके ऐसे आँखें को लटकाना है वहाँ पे 10 घंटे तक। अरे पाशुभाई ये सर, अभी कुणाल भाई और पाशुभाई भी आ चुके हैं और हम लोग बस रेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये है कुणाल भाई और पीछे है मिस्टर पाशुभाई। तो गाइस अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं हिमकोसी और पाशु भाई तो फुल रेडी हैं, पूरा पूरा अपना बैग पैक लेके आ रखे हैं और साथ में अपना यूके रैली भी लेके रखे हैं। तो पाशु भाई उनकी थार कौन सी वाली है? ये पुरानी वाली मॉडल है, पुरानी मॉडल वाली थार ना, यस पुराना मॉडल। हाँ काफी कूल है, मजा आ रहा है इधर थार। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, भवाली वाली रोड में। सो अभी बज रहे हैं 3 और हमें लग जाएगा टाइम थोड़ा सा और क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, 2 से 3 घंटे लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। मैं हल्द्वानी से देखता आ रहा हूँ और ये ट्रिपलिंग में अभी तक कंटिन्यू का सफ़र कंटिन्यू चल रहा है। जो अक्टूबर में जब बारिश हुई थी ना, जो 4-5 दिन की, तो जो तहलका मचाया उसने, भयंकर, वो तो पूरा का पूरा चला गया। तो ऑफ रोडिंग हो रही है गाइस, बहुत ही गंदा सीन आ रहा है ये। हाँ वो पत्थर ना बड़ा सा, हाँ के नाम पे रखा है। और यहाँ पर जो पत्थर दिख रहा है आपको, पत्थर ही पत्थर दिख रहा है अब तो। फ्रॉग पॉइंट कहते थे यहाँ पे, कोई पत्थर है फ्रॉग जैसा दिखता है वो, और वो सब सब टूट चुका है। तो गाइस ये है कंडीशन यहाँ पे, जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी भयंकर वाली। पास में देख लो कितने खतरनाक रास्ता हो गया, एकदम बहुत बुरा हाल हो रखा है। एंड ये रोड बनी थी उसके बाद भी ये ऐसी हालत, बहुत ही डेडली हो रखा रास्ता यहाँ से। ये देखिए गाइस, ये पत्थर गिरा था अभी थोड़ी देर पहले। पाशु भाई बच गए, अभी से फट जाता।
कहीं और लोग का भी। तो यार अल्मोड़ा में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद एकदम पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर अलग ही सीन हो। जरा पर्दा खोल के हम दिखाते हैं आपको पाशु भाई को। ये पाशु भाई का तो बंद कर दिया इन्होंने, मुझे आज अंधेरे में बंद कर दिया। तो मुझे ना काफी डिजीनेस होती है पीछे बैठने में, तो इसलिए मैं आगे बैठा था, पाशु भाई पीछे बैठे थे। अरे अरे पाशु भाई। हम लोग यहाँ से कुछ ले लेते हैं, चिप्स वगैरह, चिप्स ले लें और क्या लेने पाशु भाई, कुछ ले तो नहीं है वो ब्रश वगैरह ये सब चीज़ें। हाँ डोरिटोज़ वगैरह भी ले लेते हैं। अभी तो प्रोसेस है, हम पेमेंट ही नहीं हो रहा अभी तक, अटका हुआ है। तो भयंकर ऑफ रोडिंग हो रही है, पाशु भाई वहाँ लाइव आ रखे हैं, पता नहीं लोग भी कैसे देख रहे होंगे। गाइस देखिए यहाँ पे कितना भयंकर ऑफ रोडिंग, अरे बाप रे, ओ गॉड सेव पाशु भाई। तो पाशु भाई गए गेट खोलने लाइव के साथ, बस बाय पाशु भाई। पूरी मिट्टी मिट्टी कर रखी है भयंकर। पाशु भाई मठू मठू चलो, गिरोगे। ये लाइट्स यहाँ पे खुद ही बनवाए गए हैं, क्योंकि बाहर बहुत महंगे मिलते हैं इसलिए खुद ही बनवाए हैं यहाँ पे। ये तो बहुत सही चीज है। सो खुल गया है द्वार, वाव ये है रूम। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में, और जो सोनार भाई का जो कॉटेज है बहुत ही सेक्सी है, एकदम पीस है, एकदम एकांत जगह पे, एकदम बहुत ही क्या बताऊं आपको, ऑफ रोडिंग करते हुए आप सीधे यहाँ पहुँचोगे। और पाशु भाई काफ़ी थक चुके हैं, उन्होंने निकाल दिया अपने आईपैड वगैरह। ये अलमारी आपने कभी अपने लाइफ में नहीं देखी होगी, ये अलमारी बताएं, ये सामने ग्लास नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट अलमारी बनाई गई है जानबूझ के, कह सकते हो आप इल्यूजन अलमीरा। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भाई, मैं तो हाथ में धो लिया था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और अब चलते हैं कुछ खाने, बड़ी भूख लगी है। सो गाइस ये रूम ना इतना कोजी सा है ना, मतलब बहुत ही अल्टीमेट रूम है, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे काफ़ी। अभी हम लोग गेम खेले थे और गेम में पाशु भाई ने बहुत ज़्यादा डंड फेंट लगाए, मतलब उठक बैठक के दो तीन बार हालत ख़राब हो गई पाशु भाई की। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिनर करेंगे, डिनर में मटन वटन बना रखा है तो काफ़ी अच्छा सा है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। एंड ज़्यादा दूर नहीं है, आपने देखा था बीच में काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा था, मतलब लैंडस्लाइड क्या, मतलब बीच में बारिश हुई थी तो अक्टूबर में, और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था वहाँ पे, आपने मैं आपको दिखाया, आपने देखा ही होगा वीडियो में अभी। तो फड़का गाँव है, फड़का गाँव से ही उनका नीचे साइड पर इनका क्या कहते हैं कॉटेज है, और इनका पूरा फार्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर फार्मिंग वगैरह सभी चीज़ करते हैं इधर। सो गाइस ठंड बहुत हो रही है, तो पाशु भाई ने अपना जैकेट निकाल दिया है, वुलन वाला, काफ़ी तेज लग रहा है पाशु भाई तो। अरे भाई ये तो पाशु भाई बन चुके हैं जादू। तो आपको देख नहीं रहा होगा यहाँ पे सामने, यहाँ पे कॉटेज है और पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बस स्टार्स दिख रहे हैं, और ये पाशु भाई और उनका लालटेन दिख रहा है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, जिसको खबर। अरे पाशु भाई कहाँ है, कैसे चल रहे हो किलफिश बन के। तो यार यहाँ पर बॉनफायर का बहुत ठंडा हो रहा था बाहर, और यहाँ पे एकदम मस्त करके मजा आ गया। आ जाओ आग सेक लो, पाशु भाई तो वीडियो बनाने लगे, बट मैं यहाँ सेकता हूँ, गर्म हो रहा है सही। सो ये जो स्टंट में अभी करने जा रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप घर पे बिल्कुल मत करना, इस जलती आग को कोई इसको मैं इसमें डालूँगा। 1 2 3 स्टार्ट।
यस डन। जल गई, बहुत जलाई थी मैंने लकड़ी मुंचारी में। सो यहाँ पर आ चुका है मटन, एक एक पीस सब लोग खा लेंगे और साथ में आग सेक लेते हैं। सो गाइज, पार्श्व भाई तो सो चुके हैं और मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी थक चुका हूँ और वो थक चुके तो उससे सो गए और इधर सो रखे हैं पार्श्व भाई, तो इधर किधर सो रखे। फिर कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, आपको दिखाते हैं कोसी रिवर जिसमें पार्श्व भाई कच्चे में फुदक रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब प्लीज।